आइए, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 पर जारी चर्चा को आगे बढ़ाएं और आप सबका पार्ट 26 में स्वागत है। इस चर्चा के पार्ट 26 में आपका सबका स्वागत है। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द ऑनगोइंग डिस्कशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू पार्ट 26 of this ongoing discussion। मित्रों, अब हम बहुत important provision की ओर आज चर्चा करेंगे, वो है employment से संबंधित, scheme of reservation से संबंधित, और इसको हम बहुत आराम आराम से समझेंगे। हो सकता है 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। 31-32 सेक्शन हम एजुकेशन के साथ कर चुके थे, इसलिए आज हम सेक्शन 33 पर आएंगे सीधे सीधे। और ये जो सेक्शन 33 है, चैप्टर 6 में है। सेक्शन 33 का हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्वेशन, अर्थात आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन, आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन। सेक्शन 33 का प्रावधान यह प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक सरकार, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, व्हाट यूज है, इसकी परिभाषा मैंने पहले आपको बताई है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के सारे एस्टेब्लिशमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं, कॉरपोरेशंस आते हैं, तो ये जो विभिन्न स्तरों पर सरकार हैं, जिनका जिक्र मैंने किया, उनके प्रतिष्ठान हैं, उनके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में ऐसे पदों का चिन्हांकन किया जाए, पहचान की जाए, जो विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग जनों द्वारा पूरी तरह से जिनके दायित्वों का निर्वहन किया जा सके। और ये चिन्हांकन का उद्देश्य भी इसमें स्पष्ट किया गया है, ताकि उन पदों की जो रिक्तियां हैं, उन पदों में जो रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को 34 सेक्शन 34 के प्रावधानों के अनुसार रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाए, आरक्षण की स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया जाए। ये पिछले वाले प्रावधान से थोड़ा स्पष्ट है, और यह हमारे सुझाव पर थोड़ा और स्पष्टता इसमें आई। वो ये है कि पहले केवल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट विच कैन बी रिजर्व लिखा था, लेकिन अब है कि पदों का चिन्हांकन, ऐसे पदों का चिन्हांकन जो विभिन्न प्रकार की श्रेणी के दिव्यांगजन जिन पर कार्य कर सकते हैं, और उस चिन्हांकन का उद्देश्य ये हो कि उन चिन्हांकित पदों में जो रिक्तियां हैं, उन सभी रिक्तियों को जो स्कीम ऑफ रिजर्वेशन है सेक्शन 34 में, उसके लिए उनका उपयोग विभिन्न श्रेणियों के, प्रत्येक श्रेणी के डिसेबिलिटी के लिए किया जा सके, उसके आरक्षण को पूरा करने के लिए किया जा सके। चिन्हांकन कैसे हो, रोमन 2 में वो बताया गया है कि चिन्हांकन हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित हो, जिसमें दिव्यांगजन को प्रॉपर प्रतिनिधित्व दिया जाए।
ये नहीं कि कोई डिपार्टमेंट अपने आप एक नोटिफिकेशन निकाल दे हम इसको मानते हैं इसको नहीं मानते आइडेंटिटी ना। एक एक्सपर्ट कमेटी गठित होगी जिसमें दिव्यांगजन का भी प्रतिनिधित्व हो और उस एक्सपर्ट कमेटी द्वारा ये आइडेंटिफिकेशन कराया जाए। रोमन 3:3 जो है वो कहता है कि इसका ऐसा चिन्हांकन समय समय पर होता रहना पड़ेगा ताकि, और ये जो अंतराल है हर 3 साल में होना होगा ये चिन्हांकन, जिसमें चिन्हांकित पदों पिछले चिन्हांकित पदों को रिव्यू करके उसको अपडेट किया जा सके। अपडेट में अभी संबंध में 2-3 बातें हैं आपसे पहले चिन्हांकन के संबंध में करना चाहूंगा। चिन्हांकन को लेकर बहुत विवाद होता है, जैसे टीचर्स के पदों को ले लें, कुछ जगहों पे गुजरात में जैसे टीचर का पद चिन्हांकित बहुत लंबे समय तक प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए नहीं किया गया, जिस पर कई केस लिटिगेशन हुआ। दिल्ली में भी शुरू में टीचर्स के पद चिन्हांकित नहीं थे और वो 80 के दशक में लड़के कराए गए। ऐसे ही LDC का पद पहले चिन्हांकित नहीं था, अब वो चिन्हांकित ना हो, क्लेरिकल पद चिन्हांकित ना होने की वजह से ग्रुप सी में रिजर्वेशन होने के बावजूद रिजर्वेशन कहाँ से मिलेगा। ग्रुप डी में PN का पद आज चिन्हांकित नहीं था तो ग्रुप डी की वैकेंसीज हाई रिजर्वेशन था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 80 में PN का पद भी चिन्हांकित करवाया गया 80, 82, 83 में और उसके कारण ग्रुप डी में लोग लगना शुरू हुए 80 में। ऑर्डर ये निकलवाया गया लड़ाई करके संघर्ष से 80 के संघर्ष से कि ग्रुप डी में पीयून के पद पर इनको नियुक्त करके चेयर रिकेनिंग का काम कराया जाए और फिर धीरे धीरे उसको PN को भी चिन्हांकित कर दिया गया। ऐसे ही LDC का पद 87 में संघर्ष के बाद आइडेंटिफाइड डिक्लेयर किया गया करवाया गया। तो आइडेंटिफिकेशन का जो उद्देश्य है, पहले सेक्शन 32 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में ये बात स्पष्ट नहीं थी। पहले तो ये सरकार इंटरप्रेट करती थी सेक्शन 32 के हिसाब और 33 को पढ़कर कि ये केवल आइडेंटिफाइड पोस्ट में ही जितनी वैकेंसीज हैं उसमें ही आपको 3% आरक्षण मिलेगा। ये बात आप यूं समझें कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और सिविल सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अलावा सिविल सर्विसेज में जितनी भी सर्विसेज आती हैं वो सब इंक्लूडिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उनके लिए दरवाजे तो खुल गए थे ओपन मेरिट ओपन सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए 90 के दशक में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और लंबी लड़ाई चली और अंततोगत्वा रवि प्रकाश गुप्ता के केस में हाई कोर्ट से और फिर दिल्ली हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट से इसका स्पष्टीकरण आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आरक्षण जो है दिव्यांगों का वो पदों के चिन्हांकन पर निर्भर नहीं करता। अगर पदों का चिन्हांकन आपने नहीं किया तो आप आरक्षण की स्कीम को पोस्टपोन नहीं कर सकते। और इसी आधार पर जो तर्क था यूनियन ऑफ इंडिया का कि हमने 2005 में सिविल सर्विसेज को और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को
आइडेंटिफाई डिक्लेयर किया ब्लाइंड के लिए, इसलिए हम 2005 से भरी गई वैकेंसीज के अगेंस्ट ही बैकलॉग काउंट करेंगे, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। और कहा गया कि 1996 से जब से ये एक्ट आया तब से आपको आइडेंटिफिकेशन मानना होगा और सिविल सर्विसेज का बैकलॉग वर्कआउट करना। अब ये जो कन्फ्यूजन था उसको दूर करने के लिए हमने इम्पोर्टेंट इसमें रोमन वन में जो मैंने बताया एक और क्लेरिफिकेशन और ज़्यादा क्लेरिफाई करके, ताकि इसको मिस इंटरप्रेट कोई ना कर सके, और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के जो केस में जो 2013 का ऐतिहासिक जजमेंट हुआ उसमें भी ये बात स्पष्ट की गई कि आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाइड पोस्ट के आधार के अगेंस्ट केवल रिजर्वेशन नहीं होगी, आपको कंप्यूटेशन टोटल कार्डर स्ट्रेंथ में करनी है। इस चीज को, इस पूरे भ्रम को मिटाने के लिए हमने इस प्रावधान को इस और स्पष्ट करवाया अपने सुझावों के माध्यम से जो माने गए कि चिन्हांकित पदों की वैकेंसीज को रिजर्वेशन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। अब मान लीजिए कि ग्रुप सी की पोस्ट निकली और मान लीजिए 200 पोस्ट निकली, उसमें दो पोस्ट हमको मिलनी है, तो ये दो पोस्ट अगर मान लीजिए बाकी सारी पोस्ट ऐसी हैं जो चिन्हांकित नहीं है ब्लाइंड के लिए, लेकिन एलडीसी की पोस्ट चिन्हांकित है और वो वैकेंसी आई है, तो वो 200 के अगेंस्ट दो जो हमको मिलनी वो एलडीसी में मिले। तो इस दृष्टि से आइडेंटिफिकेशन के आधार पर या नॉन आइडेंटिफिकेशन के आधार पर जो स्कीम ऑफ रिजर्वेशन को पोस्टपोन करने की जो प्रवृत्ति थी उसको हमने सेक्शन 33 में और स्पष्ट करवा के और इस संभावना को समाप्त कराया। दूसरी बात, जो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन हुआ 1995 के एक्ट के बाद, उसमें मैं भी सदस्य था समिति का, और मैंने उसके अंतर्गत जो नोटिफिकेशन खुद ड्राफ्ट किया था जिसको एज इट इज सरकार ने माना, तो उसमें ये स्पष्ट कराया कि जो आइडेंटिफिकेशन की लिस्ट है ये इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं। इसके अतिरिक्त ये भी कहलवाया कि यदि कोई दिव्यांग किसी पद पर काम कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाइड माना जाएगा। तो ये प्रयास हुआ कि आइडेंटिफिकेशन के नाम पर आरक्षण की मात्रा को कम करने का जो प्रयास है वो सफल ना हो और आइडेंटिफिकेशन को ही गॉस्पल ट्रुथ ना मानकर आइडेंटिफिकेशन की लिस्ट को केवल इलस्ट्रेटिव बनाया जाए। इस संबंध में कई कोर्ट केस भी हुए, जैसे दूसरे डिसेबल्ड के जो मैंने खुद किए, एक भरत मीना का केस था राजस्थान का, उसमें उन्होंने फिजिकल इंस्ट्रक्टर या पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद के लिए उसने अप्लाई किया था और वो सफल भी हुआ, लेकिन चूंकि उसका एक हाथ नहीं था फंक्शनल, तो उस आधार पे ये कहा गया कि वन हैंड वाले को हम फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद पर आइडेंटिफाइड, उसको फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद को एक हाथ वाले डिसेबल्ड को के लिए हम उसको आइडेंटिफाइड नहीं मानते। इसी आर्गुमेंट के आधार पर हमने केस जीता था कि ये लिस्ट इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है।
दूसरा उस पद के लिए वो जो वांछित योग्यता है उसको रखता है और उसका एडमिशन हुआ उस पोस्ट के लिए, तो इस आधार पे उसको योग्य ठहराया गया और उसके सिलेक्शन को सही माना गया और उसको अपॉइंटमेंट का आदेश कराया गया। ऐसे और भी कई मामले हुए गुजरात में, टीचर की बात मैंने आपको बताई। तो ये कुल मिला के आइडेंटिफिकेशन के संबंध में आपको कोर्ट केसेस में मैंने आपको बताया कि रवि प्रकाश गुप्ता वाला केस इससे संबंधित था, उसमें बहुत स्पष्टता आई। फिर नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड वाले केस में और स्पष्टता की गई और आइडेंटिफिकेशन के नाम पे जो आरक्षण की मात्रा है उसको कम करने का जो कुचक्र चलता था उसको रोकने में उस जजमेंट ने बड़ी मदद दी, मदद की, और वो जजमेंट ऐसे कुप्रयासों के लिए एक मील का पत्थर है। इस संबंध में कोई रूल नहीं है क्योंकि ये अपने आप में स्पष्ट है, 3 साल के अंदर होगा, कैसे होगा, एक्सपर्ट कमेटी होगी, तो और किसी प्रोसीजर की आवश्यकता थी नहीं, इसलिए कोई और प्रोसीजर इसमें शामिल किया नहीं गया। अब मैं रिजर्वेशन पे आता हूँ, सेक्शन 34 पे, और आज पूरा समाप्त नहीं होगा ये, इसको बहुत आराम से हम सब समझेंगे। सेक्शन 34 जो है, और सेक्शन 34 पे आने से पहले लेट मी एक्सप्लेन सेक्शन 33 इन इंग्लिश। सेक्शन 33 इज इन चैप्टर 6 एंड इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ फॉर रिजर्वेशन। दिस सेक्शन मैंडेट्स एवरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू identify posts in the establishments which can be held by respective category of persons with benchmark disabilities in respect of vacancy reserved in accordance with the provisions of section 34. That means the appropriate government has to identify the suitable posts for each category of disability, and the purpose of that such identification is to utilize the vacancies for providing adequate for providing the reservation to each category of disability in accordance with provisions of section 34 of the act, which deals with the scheme of reservation. Roman 2 deals with the procedure which has to be followed for undertaking identification exercise, and it mandates that the appropriate government will have to constitute an expert committee for this purpose with representation of persons with benchmark disabilities. And third, mandates that such an exercise of identification will have to be undertaken at regular intervals periodically, and there should not be a gap of more than 3 years in such identification process. Now this identification provision is clearer than the previous one in the most important aspect, that is that in order to ensure 3% reservation or 4% reservation under section 34 for each for persons with benchmark disabilities against the total number of vacancies in the cadre strength, the
आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग वैकेंसीज विच ऑट टू बी रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ 1% ईच फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एंड फॉर नो अदर पर्पस. दिस हैज क्लियर द एयर एंड ऑल्सो has limited the arbitrary use of the provision of identification of post to reduce the quantum of reservation. In fact, governments have been, including Union of India, Government of India, had been misinterpreting the identification of post provision to contend that scheme of reservation applies only to the post identified for them for each of the aforementioned categories of disabilities and not against the total number of vacancies in the cadre system. This question arose for consideration not once, twice before the apex court. Firstly, in the matter of Indian civil services and Indian administrative service, in the case of Ravi Prakash Gupta, when the court clearly held, apex court clearly held, that the scheme of reservation cannot be postponed in the garb of non-identification of post or access, in the garb of not undertaking the exercise of identification posts. And again, in the case of Union of India versus National Federation of Blind, that historic judgment of 2013, when the Honorable Apex Court very clearly held that the total number of vacancies, the reservation has to be computed against the total number of vacancies in the sanctioned cadre strength. And vacancies which ought to be reserved to the extent of 1% each has to be given by utilizing the vacancies in the identified posts. So both these judgments have been instrumental, and particularly judgment of 2013 had been instrumental in better formulation of Section 34 and 33 of RPD Act 2016. You know, this identification has been a matter of debate in many states. For instance, in Gujarat, the reservation was the post of teachers was not recognized as identified for the blind, and this had been the matter of litigation before Gujarat High Court. Similarly, there had been other instances, including civil services, when the identification of civil services was done only in 2005. And therefore, Government of India wanted to treat that the scheme of reservation having come into force in 2005 only with respect to civil services, which was not accepted by the Honorable Apex Court. So, Section 33 is a clear improvement on previous Section 32 and has provided better clarity and has tried to arrest any scope of misinterpretation in the matter of implementation of scheme of reservation in the garb of non-identification of post or non the
the inaction on the part of the respective governments to undertake the exercise of identification of posts. मैं समझता हूँ रिजर्वेशन हम कल शुरू करें, आज हम यहीं पर समाप्त करें, और ताकि इसमें थोड़ा स्लो चलना ज़्यादा अच्छा है। और अब आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं 5 मिनट के लिए वे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर 2016 का अधिनियम एवं 1995 के अधिनियम में मुख्य अंतर है क्या है? मैंने आपको जैसे बताया कि सेक्शन 32 पुराने एक्ट का आइडेंटिफिकेशन की चर्चा करता है, लेकिन 32 ये क्लियर नहीं करता कि वो तो ये कहता है कि जो पदों का चिन्हांकन है उसका पर्पस, उसका उद्देश्य रिजर्वेशन को पूरा करना है। अर्थात उससे ये एक एनोमली पैदा हो रही थी 32 और 33 को पढ़ने से कि 32 आइडेंटिफिकेशन पर ही 33 में जो आरक्षण की स्कीम है वो लागू हो सकेगी, वही उसका आधार है। अर्थात अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ 33 में ये इस स्थिति को समाप्त कर दिया गया। उसी तरह से 32 में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि एक्सपर्ट कमेटी किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होगी, प्रोसीजर क्या होगा। यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी उसमें दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व जरूर होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इन मामलों में सेक्शन 33 जो है पिछले वाले सेक्शन 32 से अलग है। उन्हीं का क्वेश्चन है, क्या वर्तमान 2016 के अधिनियम में कोई कमी है? कमियां तो देखिए, कोई भी अधिनियम आप दुनिया का ऐसा नहीं कह सकते जिसमें कमी ना हो। ये बहुत वेग प्रश्न है। कमियां तो कई चीजों में बताई जा सकती हैं, कमियां इसमें भी हैं। अब हर प्रोविजन को लेकर कमी बताई जा सकती है, लेकिन इसमें इस प्रोविजन का जहां तक सवाल है मैं नहीं समझता कि कोई कमी है। आदरणीय रोंटा सर, जैसे वरिष्ठ अभिभावकों का आशीर्वाद है, सर हाउ कैन डिस्ट्रीब्यूट दी 5% रिजर्वेशन इन हायर कैटेगरी वाइज? यू आर आस्किंग नाउ द इशू ऑफ रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच वाज सेक्शन 32। आई एक्सप्लेन्ड दैट डे इन व्हाइल आई थिंक आई डिस्कस दिस इन पार्ट 19 एंड आई फ्लैग दिस इशू दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट to work out the modalities of distribution of 5% reservation in higher education institutions. This has been done across the board, that is for all persons with benchmark disabilities,
without any distribution among different categories of disabilities. And therefore, it is also not clear, because as I informed at that time, that various universities are trying to provide 5% reservation subject-wise, and in the process, the quantum of reservation is reduced from 5% to less than 5%, because of the fact that if there are, say, in any subject, in MPhil, PhD, there are, say, 8 vacancies, they will not provide any reservation. And there could be more than one subjects in which similar situation may arise. So that issue I have already flagged, and that is the ambiguity in that provision. But we are trying to see how best we can address this anomaly and safeguard the interest of persons with disabilities, including visually impaired persons. And Jawaharlal Nehru's university's case is one of the examples of our activism in that respect. सर मैं उत्तम जानना चाहता हूँ कि सभी भारतीयों में 4% आरक्षण निश्चित है, स्पेशल स्कूल में उलट सामान्य लोगों के लिए 4% आरक्षण छोड़कर सभी रिक्तियां भरना उचित होगा क्या? मैं उत्तम जानना चाहता हूँ कि सभी भारतीयों में 4% आरक्षण निश्चित है, स्पेशल स्कूल्स में उलट सामान्य लोगों के लिए 4% आरक्षण छोड़कर सभी रिक्तियां भरना उचित होगा क्या? कल हम सब जब सेक्शन 34 की बात करेंगे तब इस विषय पर, आज तो आप लोगों के सवाल आइडेंटिफिकेशन पे नहीं आ रहे, आप सेक्शन 34 पे पहले पहुंच गए हैं। तो खैर, कल सेक्शन 34 पे इन सब सवालों पर फिर जवाब देंगे, क्योंकि पहले सेक्शन 34 हम समझ लें फिर उस पर हम बात करें। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि 34 में इतना ही बता देता हूं कि वहां वर्ड यूज्ड है नॉट लेस देन 4%, मतलब 4% से कम आरक्षण नहीं होगा। तो कम का मतलब तो ठीक है, कम नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो शायद मैं समझ पाऊँ उत्तम भाई का प्रश्न, वो जानना चाहते हैं कि मान लीजिए स्पेशल स्कूल्स में हम सामान्य लोगों के लिए कम पद छोड़ दें और ज़्यादा रिजर्वेशन डिसेबल्ड को दे दें तो क्या उचित होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि वहाँ पर वैसी आवश्यकता है। फिर भी कल और विस्तार से इस पर बात करें। सर मैं सतीश से जानना चाहता हूँ कि यदि एक पद है आरक्षित व किसी दिव्यांग का प्राथमिकता दी जाएगी? आरक्षण में सिंगल पोस्ट पे आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन आप यहाँ एक बात समझ लीजिए, जो 2013 का जजमेंट है, असल में ये भी आपका सेक्शन 34 से संबंधित प्रश्न है, फिर भी चलिए अच्छा है। हमने इसीलिए जो प्रोनाउंसमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसमें वर्ड है कि आरक्षण टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन दी काडर स्ट्रेंथ। अब एक काडर में कई पोस्टें होती हैं, तो ये सिंगल पोस्ट वाला फंडा अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि काडर जो होता है वो पे स्केल से डिटरमिन होता है, पे ग्रेड से डिटरमिन होता है, उस पे ग्रेड वाली जितनी पोस्टें हैं उस काडर का हिस्सा है। तो मैं समझता हूं कि आइडेंटिफिकेशन को पर आप सबकी समझ काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें कोई प्रश्न नहीं है। तो आज के लिए आप सबको आभार, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। इट अपीयर्स दैट वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर देयर फॉर relating to the provisions of identification, which gives me an impression that you have been able to understand this provision very well. For today,
आई थैंक यू ऑल टिल टुमारो गुड बाय।